हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ कैड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको एक्सट्रूड कमांड के बारे में बताऊंगा, तो चलिए देखते हैं कैसे हम एक्सट्रूड कमांड यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक्सट्रूड कमांड आपका यहाँ है, ठीक है, एक्सट्रूड है, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन करके मैं लॉट कमांड भी, रिवॉल्व और शेप भी बताऊँगा। तो एक्सट्रूड कमांड में देखिए हम कैसे एक्सट्रूड कमांड को यूज करते हैं। एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, सिंपल सा, ठीक है, ले लिया। अब हमने क्या किया है, एक्सट्रूड, या तो मैं यहाँ से कमांड को पिक कर सकता हूँ, और एक्सट्रूड का शॉर्टकट की EXT शॉर्टकट की है एक्सट्रूड का, ठीक है, इससे भी मैं ले सकता हूँ। इंटर किया, इंटर करने के बाद देखिएगा मोड का ऑप्शन है। मोड पे हमने देखे क्लिक किया, सॉलिड और सरफेस दो है। अगर हम सॉलिड पे करते हैं तो सॉलिड होगा, सरफेस के कर उन पे करके करते हैं तो ये हमारा सिर्फ सरफेस जो लाइन दिख रही है वही एक्सट्रूड होगी, ठीक है। सब पहले सॉलिड देखते हैं, सॉलिड पे हमने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका ये एक्सट्रूड मूव करने लगा, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे, हम एक पाथ डिसाइड कर लेंगे, एक लाइन ले लेते हैं। लाइन कमांड से हमने लाइन ले लिया, मान लीजिए ये यहाँ से हमने ऑर्थो ऑन कर दिया, ठीक है, 10 mm की, 10 mm हमने लाइन ले लिया, ठीक है। मेरे पास ये लाइन है। अब हम एक्सट्रूड कमांड यूज, एक्सट्रूड पे हमने क्लिक किया, ठीक है, सिलेक्ट किया, ठीक है, मोड पे हमने क्लिक किया, मोड में सॉलिड ले लिया, ठीक है। सॉलिड लेने के बाद डायरेक्शन पाथ, ये डायरेक्शन पाथ है, डायरेक्शन है। दूसरा है पाथ टेपर, पाथ है फिर टेपर है, एंगल है, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्शन पे क्लिक किया हमने, हम डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है। ये हमने ये डायरेक्शन दिया यहाँ से यहाँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा, तो मेरा फर्स्ट डायरेक्शन हमने यहाँ दिया, सेकेंड डायरेक्शन ऊपर साइड में दिया, ठीक है। ऊपर से नीचे देखता तो नीचे की तरफ जाता, ठीक है। डायरेक्शन हमने दे दिया 10 का, इतने से इतने में, ये डायरेक्शन ले लिया, हमारा स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से आपको नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट ऑप्शन जो है एक्सट्रूड का उसके बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर, ठीक है, ये एक्सट्रूड कमांड है, ठीक है। एक लाइन ले लेता हूँ मैं इसके लिए इस तरह से, और इस डायरेक्शन में भी थोड़ा सा इसको फिलेट कर लेते हैं, कुछ रेडियस दे देंगे, रेडियस हमने दे दिया, ठीक है। और देखिए अभी ये क्या है, अलग अलग है, अलग अलग पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कमांड लेके पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने ज्वाइन कमांड लिया, इसे पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दिया इस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट कमांड EXT शॉर्टकट की यूज कर रहे हैं। शॉर्टकट की से हमने इसको सिलेक्ट किया एक्सट्रूड के बाद, इंटर किया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अभी सॉलिड में चल रहा है, ठीक है। पाथ पे हम क्लिक करेंगे, पाथ पे हमने क्लिक किया, और ये पाथ हमने यहाँ, ये पाथ सिलेक्ट किया हमने, क्लिक कर दिया पाथ। आप देख सकते हैं ये बेंड होके जिस तरह से मेरा पाथ था उसको फॉलो करके आपका एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सट्रूड, कोई एक फिर से रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रूड कमांड लिया हमने, इंटर किया, सिलेक्ट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इंटर किया। फिर नेक्स्ट देखते हैं एंगल, कोई भी एंगल ले लेते हैं, टेपर एंगल आपका नेक्स्ट है, टेपर एंगल। टेपर एंगल हम कोई भी एंगल ले लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए हमने ले लिया 30 डिग्री, ठीक है, इंटर किया, ठीक, एक मिनट, सॉरी, एक्चुअली एक्सट्रूड EXT हमने कमांड एक्टिव नहीं किया था, सिलेक्ट किया, ठीक है, एक्सट्रूड कमांड, इंटर किया। फिर हमने टेपर एंगल पे ले लिया, टेपर एंगल पे हम यहाँ से एंगल पुट कर सकते हैं 30 डिग्री पे, ठीक है, 30 डिग्री। उसके बाद देखिए ये
अगर हमारा 30 डिग्री में क्या है, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 30 डिग्री में एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा एंगल लेने पे। एक कॉर्नर आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे साइड में, ऊपर साइड में, अगर हम इतना हाइट लेते हैं, मान लीजिए 10 लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 5 ले लिए, 5 ले लिया हमने, उतना हमारा ये बनाएगा, क्या होगा, एक एंड पॉइंट पे जाके हमारा फिनिश हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम एंगल को कम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक्सट्रूड लिया हमने, टेपर एंगल पे हमने टी इंटर कर देना है, या तो हम यहाँ से माउस से क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे बाहर माइनस में देना है तो माइनस में भी दे सकता हूँ, प्लस में देना है तो प्लस में दे सकता हूँ, ठीक है। एंगल कुछ भी ले लेते हैं, 15 ले लिया, 15 लेने पे देखिए अभी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर यहाँ तक जाके एंगल इसका ख़त्म हो जा रहा है, तो इतनी हम हाइट यहाँ तक दे सकते हैं, जैसे 2 दे दिए, 2 दे दिया हाइट हमने, तो 2 पे हाइट लेके ये यहाँ से एंगल देख सकते हैं कि 55 जितना मुझे देना है एंगल, हम प्लस माइनस दोनों दे सकते हैं। प्लस दे देंगे तो हमारा एक्सेस मटेरियल आ जाएगा इस बाहर तरफ से, ठीक है। सेम चीज़ है ऐसे हमारा एक्सट्रूड का एक्सप्रेस, आपने देखा होगा, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं फिर से, और EXG इंटर किया, शॉर्टकट की सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे आपने अगर टेपर एंगल पे क्लिक किया, देखिएगा एक्सप्रेशन यहाँ भी है, ठीक है। अगर आपने एक्सप्रेशन क्लिक किया, ठीक है, यहाँ भी एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मुझे कोई भी लेंथ दे देनी है एक्सप्रेशन में, हमने 10 दे दिया, 10 पुट कर दिया, इंटर किया, देखिए आपको 10 हाइट पे इस पर बना दिया, तो एक्सप्रेशन कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसका यूज भी वही सेम है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में एक्सट्रूड कमांड हमने कैसे यूज किया, ठीक। अब अगर आपको कोई चीज़ 2D में है, ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ, चलिए मैं कुछ नेक्स्ट, जैसे हमारा सर्कल है, एक सर्कल में ऑन ले लेता हूँ, इसको अभी एक्सट्रूड कराना है, EXT इंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्सट्रूड हो रहा ठीक है, ये आपका एक्सट्रूड हो गया। आप इसको देखिए वायर फ्रेम में, 2D वायर फ्रेम में करके देख सकते हैं यहाँ से, ये 2D वायर फ्रेम में है आपका, आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है 2D वायर फ्रेम में शो कर रहे हैं, और शेडेड कर देते हैं तो हमारा शेडेड हो जाता है इस तरह से, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।